हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अशो रेशमा का जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी, जिसका नाम है नाचोस। वैसे तो नाचोस चिप्स बाहर भी आप खा सकते हैं, लेकिन आप घर में भी इसको अच्छे इजीली से बना सकते हैं। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाचो चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक मिक्सर का जार। इसमें डालना है 10 से 15 लहसुन की कली। इसमें थोड़ी सी अदरक डाली मैंने और 2 सूखी लाल मिर्च। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, जिसमें हमें 2 कप पानी डालना है। ये 2 कप के बराबर है इस कप में। अब मैंने गैस ऑन कर ली है। ये 2 कप पानी इसमें कढ़ाई में बॉयल हो रहा है। एक बॉयल आने तक इसको पानी को ऐसे ही रखना है। जब एक बॉयल आ गया है, अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालना है। वैसे जैसे आप अपना नमक लेते हो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें ये पेस्ट डालना है जो हमने अभी पीसा था, अदरक लहसुन और लाल मिर्च का। इसको भी एक बॉयल आने तक रखना है। मैंने ये मीडियम पे गैस रखी है। बॉयल आने तक इसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। अब बॉयल हो गया है ये। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें 2 कप चावल का आटा। चावल का आटा इसमें डाल के इसको चलाएंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे इसको। दोस्तों ये एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको धीरे धीरे चलाए, इसमें लंप्स ना पड़े। दोस्तों हमें इसका आटा गूंदना है, तो इसलिए मैं 1/2 कप मैदा ले रही हूँ और लेना है और इसको अच्छे से चला लेना है। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका डो बनाएंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है इसको, जो आप 2-3 मिनट तक ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 स्पून ऑयल, ताकि ये चिपके ना। और अब इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब मैंने यहाँ ये डो का ये इस तरह से पेड़े बना के रखे हैं, और इसको पटरे पे डस्ट करना है और इसको ऐसे एक, अब इसको बेलन से बेल लेना है ऐसे। अब बेलने के बाद इसको ऐसे लंबे लंबे पीसेस का लेने हैं। अब मैंने साइड से सब इसके पीसेस हटा दिए हैं और इसको ट्रायंगलर शेप में ऐसे ऐसे काटना है। ये देखिए ट्रायंगल शेप में बन रहे हैं ऐसे, और फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे ही निकालने हैं। और मैंने इसके ऐसे ही पीसेस काट के रख लिए हैं। ये देखिए मैंने सारे ऐसे ही पीसेस काट के लिए यहाँ रख लिए हैं। अब हमारा तेल हो गया है। अब ये हमारा तेल गर्म हो गया है, इसको फ्राई करना है। अब ये मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ, ऐसे ही सारे फ्राई कर लेना है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलना है। ये देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसको हम ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेना, ताकि जितना भी ऑयल हो वो सोख लेगा। अब ये देखिए बनके तैयार हो गए मेरे नाचोस। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये मेरे नाचोस तैयार हो गए। अब आप उसको टमाटो सॉस या मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी ये नाचोस कैसे बनी। तो थैंक यू, एंजॉय योर नाचोस। बाय बाय फ्रेंड्स।